नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं पॉलिटिक्स सेक्शन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं कोरोना की। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल शनिवार को कोटा के अंदर रिकॉर्ड 600 के पार लगभग केस सामने आए हैं, जिसमें वहां पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर लॉकडाउन अभी तक नहीं लगाया गया। ये एक बहुत ही गंभीर मामला निकल कर सामने आ रहा है कि पहले 300 केस सामने आते थे तो 300 के 1300 केस हुए, अब 1300 से वह केस पहुंच करके सीधे सीधे से 1600 के पार पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है। राजस्थान में कोरोना के 79,380 मामले हो चुके हैं। आपको बता दें कि 603 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 7 लोगों की मौत भी हुई है। कोटा और सिरोही में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें राजस्थान में रविवार को कोरोना के 603 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 137, कोटा में 77, अलवर में 57, जोधपुर में 47, झालावाड़ में 36, उदयपुर में 32, पाली में 31, अजमेर में 29, बीकानेर और नागौर में 26, डूंगरपुर में 21, बाड़मेर और बारा में 16, भरतपुर में 15 सहित कई जिलों में बहुत अधिक केस सामने आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अब कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 79,380 पहुंच गया है। वहीं 7 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें जयपुर में 2, अजमेर में, बीकानेर में, पाली में, सीकर में और टोंक में एक एक की मौत हुई। वहीं लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कोटा और सिरोही में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं उदयपुर में भी शनिवार की रात 8 बजे से 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में कोरोना से अब 1037 मरीजों की जान जा चुकी है, जिनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 273 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा जोधपुर में 97, बीकानेर में 73, कोटा में 71, भरतपुर में 68, अजमेर में 70, पाली में 44, नागौर में 42, उदयपुर में 25, धौलपुर में 19 और सिरोही में 11 मरीजों की जान जा चुकी है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।